काफ़ी वक्त से गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा काफ़ी सुर्खियों में रहा है। 15 साल में सुनवाई के बाद आया रेप केस में फैसला। 2002 में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रहने वाली दो साध्वियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट को बेनामी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने गुरमीत राम रहीम पर रेप केस का आरोप लगाया था। 14 सितंबर 2002 पत्र पर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए। दिसंबर 2003 में सीबीआई ने इस केस में जांच शुरू की। सीबीआई ने 18 साध्वियों से मामले में पूछताछ की, जिसमें दो साध्वियों ने कबूल किया कि उनके साथ सूद करने के नाम पर उनका रेप किया गया है। 30 जुलाई 2007 में 5 साल बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 2002 में डेरा में रह चुकी दोनों महिलाओं ने राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया। 2009 ट्रायल के दौरान एक पीड़िता ने एक पत्र लिखा गया था कि गुरमीत राम रहीम उसके पिता के समान है और राम रहीम ने कभी उसके साथ गलत बर्ताव नहीं किया। इस लेटर को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। 2010 में आदेश के खिलाफ उसके पिता हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने राम रहीम पर बलात्कार का आरोप लगाया। अप्रैल 2011 में सीबीआई कोर्ट अम्बाला ने केस पंचकुला शिफ्ट कर दिया। 2013 हाई कोर्ट ने पीड़िता के पिता के आवेदन को खारिज कर दिया और पीड़िता को अपना सिग्नेचर और लिखावट के नमूने देने को कहा। ट्रायल कोर्ट में इस पर दोबारा सुनवाई हुई। इसके बाद पीड़िता ने अपनी लिखावट और हस्ताक्षर के नमूने दिए, जिसके बाद आई फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया कि 2009 का लेटर पीड़ित महिला ने नहीं लिखा था, क्योंकि दोनों की लिखावट मेल नहीं खाती थी। 2007 से 2017 के बीच इस मामले की करीब 150 से 200 बार सुनवाई हुई। इस दौरान डेरा मुखिया राम रहीम को अदालत ने जमानत जारी रखी। 25 अगस्त 2017 आखिरकार डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रेप केस में दोषी करार दिए। कोर्ट ने 28 अगस्त को सजा सुनाने का ऐलान किया। दोषी करार देने के बाद राम रहीम के समर्थक भड़क उठे और हरियाणा के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आने लगी। 28 अगस्त सोमवार की दोपहर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने रोहतक जेल में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई। ये थी SM News रिपोर्ट।